हम अपने आप को तो समझते हैं एक बहुत ही मॉडर्न एंड फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, बट अभी भी झिझकते हैं सेक्स बोलने से. बट या इट डज टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन ऑल्सो एज वन ऑफ द टॉपिक्स विच शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स आई थिंक, क्योंकि अगर हम बच्चों को और सारी चीज़ें सिखा सकते हैं तो सेक्स एजुकेशन भी सिखाना चाहिए ताकि वो लोग गलत तरीकों से ना सीखे, भटके नहीं. मगरबी तालीम में हमें सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता है, और जो मैं मगरबी तालीम कह रहा हूं वो हिंदुस्तान में भी बंबई में भी हो रहा है. सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी. आप कितने स्कूल में जाओ वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स, और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं, मगरबी ममालिक में नहीं बंबई शहर में, कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगे. कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा. आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एड्स, कॉन्डमाइज योर सेल्फ मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो. मगरबी मुल्क में तालीम यह देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो. हमारे माशरे को क्या हुआ है? और अफसोस की बात है कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है, एक भी पेरेंट. वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो. और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी, हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है. 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है. और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज दे वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज, 95%, 95%. चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है. मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स, 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज दे वर्जिनिटी, उर्दू में कहूंगा जिना करती है. 70% 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रहे बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है. कान को यकीन नहीं होता. ये भी स्टैटिस्टिक से चंद साल पहले की. हम क्या सिखा रहे हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है, जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के, क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते
कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले, इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम।